केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की अमेठी स्थित घर पर रामकथा का आयोजन हुआ, जहां से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर हमला बोला गया। इस बार राहुल गांधी पर हमला केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी नहीं बल्कि रामकथा कर रहे व्यास मुकेश आनंद ने बोला है। राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कथावाचक मुकेश आनंद ने कहा कि जिन्होंने राम का सम्मान नहीं किया वे अमेठी से चुनाव हारे ही और वायनाड से भी सत्ता चली गई। जिन्होंने राम का सम्मान किया वे आज दिल्ली की कुर्सी पर बैठे हैं। कथावाचक मुकेश आनंद ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर भी निशाना साधा और कहा कि मौर्य को इस मंच से नसीहत देना चाहता हूं कि जिस जुबान से उन्होंने प्रभु राम का अपमान किया वह जीभ कट जाएगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं कथा कहना भी बंद कर दूंगा। कथावाचक मुकेश आनंद के इस बयान के बाद सियासत गर्मा सकती है। गौरतलब है स्मृति ईरानी के आवास पर वृंदावन धाम से आए कथावाचक व्यास मुकेश आनंद ने कथा सुनाया, लेकिन उन्होंने राहुल गांधी और स्वामी प्रसाद मौर्य पर भी हमला बोला। वहीं स्मृति ईरानी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में इलाके से बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। इस दौरान खुद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी मौजूद रहीं और उन्होंने समरसता भोज कार्यक्रम का भी आयोजन किया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24.